स्टेटस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मूवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और आज हम बात करने वाले हैं सारा अली खान के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारा अली खान इंडिया की एक पॉपुलर एक्ट्रेस है और वो पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है। सारा अली खान का जन्म शनिवार 12 अक्टूबर 1995 को मुंबई में हुआ था। उनका जॉर्डी सन लियो है। सारा ने अपनी पढ़ाई बेसेंट मॉन्टेसरी स्कूल मुंबई और धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से की है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि एक इंटरव्यू के दौरान इंडिया की पॉपुलर एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने बताया कि सारा अली खान उनसे स्कूल में सीनियर थी। सारा ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2016 में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से कंप्लीट किया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सारा अली खान ग्रेजुएशन के दिनों में, अपनी स्कूल के दिनों में और अपनी फ्रेंड अनन्या पांडे के साथ। चलिए बात करते हैं सारा अली खान के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। सारा का हाइट 5 फीट 3 इंच है और उनकी आँखों का कलर और बालों का कलर ब्राउन है। सारा के दादा एक नवाबी पटौड़ी थे और उनकी दादी का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था, तो सारा आधी पास्तुम और आधी पंजाबी है। जैसे कि उसके पिता पास्तुम नवाब हैं और उसकी माता पंजाबी है। पेरेंट्स एंड सिबलिंग। सारा अली खान का जन्म मुंबई के नवाब परिवार में हुआ था और उनकी नानी रुखसाना सुल्ताना एक प्रसिद्ध इंडियन सोशलिस्ट थी और उनके नाना का नाम शिवेंद्र सिंह था। सारा के दादा मंसूर अली खान पटौड़ी एक जाने माने भारतीय क्रिकेटर थे, जबकि उनकी दादी शर्मिला टैगोर एक अनुभवी भारतीय एक्ट्रेस हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सारा अली खान अपनी दादी के साथ है और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये सारा अली खान के दादा दादी हैं। सारा अली खान एक मशहूर अभिनेता सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम अब्राहम अली खान है और उनका जन्म 5 मार्च 2001 को हुआ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सारा अली खान अपने पिता के साथ है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सारा अली खान अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सारा अली खान अपनी माता और भाई के साथ है। शादी के 13 वर्ष बाद सारा के माता पिता का 2004 में तलाक हो गया था। सारा और उसका भाई अपनी मां के द्वारा ही बड़े हुए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक इंटरव्यू के दौरान जब उसके माता पिता के तलाक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं उनके फैसले से खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों माता पिता अलग अलग घरों में रहकर ज्यादा खुश हैं, ना कि मेरे माता पिता एक ही घरों में रहकर ना खुश रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। उनकी वजह से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुआ। मेरी माँ का हाथ मेरे सर पे हमेशा रहा। जब मैं और मेरा भाई जन्म लिए तो मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारा ख्याल रखा। तलाक के कुछ साल बाद सारा के पिता ने भारत की फेमस एक्ट्रेस करीना कपूर से 16 अक्टूबर 2012 में दूसरी शादी कर ली और 20 दिसंबर 2016 में सारा के सौतेले भाई तैमूर अली खान का जन्म हुआ और 2020 में करीना कपूर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सारा अली खान की सौतेली माँ करीना कपूर और सौतेला भाई तैमूर अली खान है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सारा अली खान अपने सतेले भाई तैमूर अली खान के साथ हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सारा अली खान अपनी सतेली मां करीना कपूर और अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ हैं। 21 फरवरी 2021 पे करीना कपूर ने अपने दूसरे बच्चे को मुंबई बीच कैंडी हॉस्पिटल में जन्म दिया, जहाँ सारा ने अपने सेकेंड हाफ ब्रदर का स्वागत किया। रिलेशनशिप हस्बैंड एंड चिल्ड्रेन। सारा अली खान भारत के बिजनेसमैन वीर पहाड़िया के साथ रिलेशनशिप में थी। वीर पहाड़िया संजय पहाड़िया के बेटे हैं, जो एक जाने माने भारतीय बिजनेसमैन हैं। वीर पहाड़िया के नाना सुशील कुमार सिंधे इंडियन पॉलिटिशियन थे। सारा अली खान बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर उनके पिता सैफ अली खान उनकी पढ़ाई कम्प्लीट करवाना चाहते थे। 2018 में सारा ने हिंदी फिल्म केदारनाथ के साथ अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की। उस फिल्म में सारा अली खान के साथ सुशांत सिंह राजपूत थे।
यह फिल्म 2013 के आए हुए केदारनाथ आपदा पर निर्धारित है। 2018 में उनकी अगली फिल्म सिम्बा आई, जो रणवीर सिंह के साथ थी। सारा ने 2020 में हिंदी बॉलीवुड फिल्म में अपनी जगह बनाई। लव आजकल 2 इंडिया के प्रसिद्ध डायरेक्टर इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया था। 2020 में आई फिल्म कूली नंबर 1 और 2021 में अतरंगी रे में सारा ने एक मुख्य भूमिका निभाई है। कुल कमाई 2019 में सारा अली खान की कुल कमाई लगभग 5.5 करोड़ की थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि सारा अली खान का सिग्नेचर किस तरह का है, तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये सारा अली खान का ओरिजिनल सिग्नेचर है। चलिए जानते हैं सारा अली खान को क्या क्या चीज पसंद है। सारा अली खान के फेवरेट एक्टर वरुण धवन है और फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट है। सारा अली खान के फेवरेट सिंगर नेहा कक्कर है। सारा अली खान के हॉलीडे डेस्टिनेशन गोवा, लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई है और उनकी फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है। सारा अली खान को खाने में पिज्जा, मिल्क केक और बेसन के लड्डू बहुत पसंद है और सॉन्ग में उन्हें लग जा गले, बाहों में चले आओ और तूने और रंगीले कैसा जादू किया बहुत पसंद है। सारा अली खान को मेकअप प्रोडक्ट में नेल पेंट काफी पसंद है। बचपन में सारा अली खान का वजन करीबन 96 kg के करीब था। अपने वजन को ध्यान में रखते हुए सारा जिम जाने का फैसला किया। उन्होंने ये ठान लिया कि वो फैट टू फिट होके रहेंगे। उन्होंने अपनी डाइट कम्प्लीटली बदल दिया था। पहले वो फास्ट फूड बहुत खाती थी। उनके लिए वेट लूज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि पीसीओडी नामक बीमारी से जूझ रही थी वो। एक बार उनके वेट लॉस जर्नी के बारे में इंडियन आइडल में पूछा गया। मैं नेहा कक्कर की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो बहुत अच्छी सिंगर है। मुझे उनका सॉन्ग बहुत पसंद है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आज उनके सामने हूँ। इंडियन आइडल में आकर नेहा कक्कर से मिलने के लिए मैं पहले से बहुत एक्साइटेड थी। उनकी सॉन्ग ने मुझे वेट लूज करने में बहुत मदद किया। मैं ट्रेडमिल में दौड़ते वक्त उनके सॉन्ग को रिपीट मोड में लगाकर सुना करती थी। सारा अली खान अपनी सौतेली माँ करीना कपूर खान की बहुत अच्छी दोस्त है। सारा को उनके साथ शॉपिंग जाना बहुत पसंद है। सारा को अपने पिता और भाई के साथ टेनिस खेलना भी बहुत पसंद है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि सारा अली खान के बारे में कौन कौन सी बातों को जानना पसंद करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।